हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे UPPCL TG2 इलेक्ट्रीशियन ग्रेड के क्वेश्चन पेपर के बारे में प्रीवियस ईयर। तो इस वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो कि आपने इसमें पहले पार्ट में कर लिए हैं, और उसके बाद जो अभी नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हमारा 75 क्वेश्चन होगा। तो टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे 24/1/2019 को एग्ज़ाम लिया गया है, जो कि 2018 का फॉर्म भराया गया था। और इसका आप देख सकते हो टेक्नीशियन टेक्निकल ग्रेड 2, और ये देख सकते हैं आप UPPCL का। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन है, देन धीरे धीरे ऐसे करके सारे आपको मिलेंगे नॉन टेक के सेक्शन, उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन है जो कि 150 क्वेश्चन का है। तो 75 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है और 75 क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं 75 क्वेश्चन नंबर से, जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, ग्रीन नोब एल श्रृंखला MCB का टेस्ट में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा लाइटनिंग सर्किट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम डैश लीकेज करंट की अनुमति है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000 भाग आप यहाँ पे लीकेज करंट की अनुमति मिलता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, मेगर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स हैज जीरो टर्मिनल वोल्टेज वाइल रनिंग ऑन नो लोड। तो नो लोड पे आपका सीरीज वाउंड जनरेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हो, बिजली की गति, तो इसका आंसर आपका होगा 1,86,000 मीटर पर सेकेंड। तो आपका देख सकते हैं बिजली की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, परिपथ यानी कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को डैश कहा जाता है। तो जो प्रेशर लगाता है उसको क्या कहते हैं, तो वोल्टेज ही आपका रहता है जो सर्किट में रहता है। तो नेक्स्ट बात कर ले हम, सॉफ्ट शोल्डर में टीन और शीशा का प्रतिशत यानी कि आपको उसका मिक्सचर बताना है कितना होता है। तो 60% और 40% होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फुल्ली चार्ज लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी फुल्ली चार्ज का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1280 होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए यानी कि आपका जो डेकोरेशन की लाइट होते 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। तो आपका यहाँ पे टोटल 4 वोल्ट के 60 बल्ब होते हैं, तभी वो 240 वोल्ट होंगे। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अल्टरनेटर रेटिंग इज स्टेटेड इन। तो अल्टरनेटर का रेटिंग आपका KVA में दिया जाता है। देन एज पर BIS इन एनी इंस्टॉलेशन द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ऑन फुल लोड मस्ट नॉट बी मोर देन। तो ये आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात के लिए, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन आवृत्ति डैश होता है। तो अमेरिका में हमारे यहाँ 60 Hz फ्रिक्वेंसी यूज़ होता है, और हमारे इंडिया में यह 50 Hz होता है। देन नेक्स्ट बात के लिए, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ GI अर्थिंग प्लेट फॉर प्लेट अर्थिंग इज। तो 60 cm × 60 cm × 6.35 mm। देन नेक्स्ट बात कर ले पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आपका क्या होता है, तो रियल पावर बाय अपेरेंट पावर आपका पावर फैक्टर होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, अ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द, तो ये थर्मोकपल आपका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, DC जनरेटर की बॉडी डैश से बनती है, तो ढलुआ लोहा या ढलुआ इस्पात से बनती है। देन नेक्स्ट बात के लिए, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, तो 5 मीटर हो सकती है इसकी लंबाई। देन नेक्स्ट बात के लिए, DC मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देन नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार का लैंप DC सप्लाई पर काम करता है, तो आर्क लैंप है जो DC सप्लाई पर भी वर्क करता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर है। देन नेक्स्ट बात कर ले, पूरी अंतराल वाइंडिंग में का कॉयल एवं अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है, तो कॉयल अंतराल और पोल अंतराल बराबर होते हैं। देन नेक्स्ट बात के लिए, DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, तो कम्यूटेटर आपका AC to DC कन्वर्ट करता है, तो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना। देन नेक्स्ट बात के लिए, आमतौर पर ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग डैश की 3 फेज के प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है, तो 5 HP यानी कि 5 hp तक आपका ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली
यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है, तो ये आपका 2200 HP का होता है जो कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द रोटर एंड द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ, तो लेमिनेटेड कोर के बने होते हैं। देन नेक्स्ट वेव वाइंडिंग में तो ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वेव वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू 2 होता है। नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अर्थ फॉल्ट आपका मरे लूप परीक्षण यानी कि मरे लूप टेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो अभ्रक इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो इन स्टेयर केस वायरिंग द मिनिमम नंबर ऑफ 2-वे स्विचेस यूज इन अ सर्किट इज, तो अपर 2 है। देन नेक्स्ट बात कर ले फ्यूज तार में डैश प्रतिरोधकता और डैश गलनांक होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस इसका निम्न होना चाहिए यानी कि कम, और इसका गलनांक भी निम्न होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात कर ले बी एच वक्र यानी कि बी एच कर्व में बी का डैश का प्रतिनिधित्व करता है, तो बी आपका चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। देन नेक्स्ट बात कर ले तार के मानक गेज की सीमा डैश होती है, तो आपका 0 to 36 SWG होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो जनरली व्हाट टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन अ सिंगल फेज मोटर, तो कंसेंट्रिक टाइप के आपका यूज होते हैं। देन नेक्स्ट तांबे यानी कि कॉपर की परमाणु संख्या, तो कॉपर का आपका 29 होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का 6 1000 वाट है, आधे लोड पर 6 की गणना करें, तो जब ये लोड आधा हो जाएगा तो इसका 6 आपका 250 वाट हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात कर ले केबल के जोड़ों के लिए पकड़ यानी कि लग्स किस सामग्री से बने होते हैं, तो वो एल्युमिनियम और तांबे के बने होते हैं। देन नेक्स्ट बात कर ले जलावृत विद्युत धारा यानी कि ईडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो ईडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग एमसी मीटर में डैम्पिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर आपका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है अल्टरनेटर। देन नेक्स्ट सीरीज मोटर लोड करंट IL डैश होता है, तो सीरीज मोटर में जो लोड करंट होता है IL वो आर्मेचर करंट और IA इज इक्वल टू ISC होता है। नेक्स्ट बात कर ले इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट RCC पोल का प्रयोग डैश लाइन में किया जाता है, तो RCC आपका 11 kV तक यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट सजावटी प्रकाश व्यवस्था में यानी कि डेकोरेशन के लिए फिर से श्रृंखला में कई लाइट डैश द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो एक ड्रम स्विच होता है उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है, तो छत के पंखे में आपका स्थायी कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो एक 3-phase 4-pole 50 Hz वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है, तो ये आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 1500 RPM जो 4 पोल और 50 Hz पे आपको फॉर्मूले पर रख कर लाना है। देन नेक्स्ट DC जनरेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है, तो DC जनरेटर आपका फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम पे काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MMF स्टैंड फॉर, तो MMF आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर डैश के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर आपका 746 वाट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। देन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या दर्शाता है, तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम वो प्रेरित EMF की दिशा। देन नेक्स्ट जब लोहे का 6 और तांबे का 6 बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता पूर्ण होगी, तो इसका आंसर आपका पूर्ण होगा फुल। देन नेक्स्ट बात कर ले MCB का पूर्ण रूप, तो MCB का पूर्ण रूप आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू केबल, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए आपका आर्मर्ड वायर लगाया जाता है जो उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। देन नेक्स्ट बात कर ले पोनी मोटर का प्रयोग करना डैश के लिए एक स्टार्टिंग विधि है, तो ये तुल्यकालिक मोटर है के लिए। देन नेक्स्ट बात कर ले द टोटल रेजिस्टेंस इन एन AC सर्किट इज कॉल्ड, तो AC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपका
इम्पीडेंस कहलाता है, जो रेजिस्टेंस को आपको एसी में इम्पीडेंस कहते हैं। देन नेक्स्ट, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, तो फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को मतलब उलट कर अपोजिट डायरेक्शन में किया जा सकता है। देन ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है, तो यह द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है। देन नेक्स्ट, गीजर को थर्मोस्टेट परिसर क्या है, तो ये आपको याद करना होगा 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को संधारित्र स्विच में डैश से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट आपका कि कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते, जो कोरोना इफेक्ट होता है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो कोरोना इफेक्ट को आप कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो तीन फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, तो चौहरे पोल के यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर नीड्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट, तो सबसे मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है इंडक्शन मोटर का। देन नेक्स्ट बात कर ले, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग आपका 90 डिग्री के लिए यूज़ के लिए किया जाता है। देन फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान यानी एम डैश के बराबर होता है, तो एम आपका ZIT के बराबर होता है। देन नेक्स्ट बात कर ले, दो प्रत्यावर्तित यानी कि आपको अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्त क्या है, तो वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क एंड प्रिवेंट हंटिंग इफेक्ट इन सिंक्रोनस मोटर्स, तो स्टार्टिंग टॉर्क और हंटिंग इफेक्ट के लिए आपका डैम्पिंग वाइंडिंग यूज़ किया जाता है सिंक्रोनस मोटर्स में। देन नेक्स्ट, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होता है। देन नेक्स्ट, फॉर अ थ्री फेज पावर एंड लाइटनिंग लोड द केबल मस्ट बी, तो केबल आपका 3.5 कोर का बना होना चाहिए, मतलब 3.5। जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है, तो आपका यहाँ पे बकलिंग। देन नेक्स्ट बात कर ले, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, देन 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करना है, तो इसका सिंपली आप आंसर निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका यहाँ पे 12 ओम आएगा। देन नेक्स्ट बात कर ले, एज पर BIS इन DC सप्लाई द कलर कोड फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल वायर्स आर रिस्पेक्टिवली, तो आपको यह बताना है पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, तो ध्यान रहे रेड पॉजिटिव ब्लू नेगेटिव एंड ब्लैक न्यूट्रल के लिए BIS के अनुसार। देन नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट, एक 100 एम्पियर और 5 एम्पियर अनुपात का करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा हुआ है, यदि रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर 60 एम्पियर आएगा। देन नेक्स्ट आपका द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपका वेबर होता है। देन नेक्स्ट आपका, इन अ रेंज ऑफ 300 वोल्ट स्केल वोल्ट मीटर रीडिंग इज 40 वोल्ट बट द मीटर सेलेक्टर स्विच इज ऑन 30 वोल्ट रेंज, कैलकुलेट द वोल्टेज रीडिंग, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 4 वोल्ट। देन नेक्स्ट आपका, मापन यंत्रों में बाल कमानी में डैश सामग्री प्रयोग की जाती है, तो ये आपका वहाँ पे फास्फोर कहाँ सा उपयोग किया जाता है, तो देख सकते हैं आप, ये टोटल 150 क्वेश्चन जो टेक्निकल के थे वे पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर पूरे का पूरे, ये आपका ओरिजिनल PDF है, तो आप इसे देख सकते हैं। टोटल ये 150 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट करा लिया गया है, तो अब इसके आप ये जो नॉन टेक सेक्शन है सिर्फ वही बचे हैं, तो ये टोटल आपका टेक्निकल सेक्शन है जो कि पिछले साल आपको पूछा गया था। देन नेक्स्ट, अगर ये आपको रेफरेंस में काम आ सकते हैं आपके इस बार के एग्ज़ाम में, तो ज़रूर से ज़रूर पढ़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।